हाउस में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो विरोधी पक्ष का भी काम कर रहा है, सत्ता पक्ष का भी काम कर रहा है और विरोधी पक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। देखो, इस तरह की महाराष्ट्र की इस पुरोगामी विधानसभा में सरकार जो काम कर रही है, जिसका आपने सवाल किया कि अपोजिशन का भी काम कर रही है, वो अपोजिशन का काम नहीं कर रही है। वो सत्य सामने नहीं आना चाहिए, सच सामने नहीं आना चाहिए, वो कोशिश वो बार बार कर रही है। और ये महाराष्ट्र के इतिहास में कलंक लगाने का काम बीजेपी कर रही है सत्ता में बैठकर, ये स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गायरान का प्रश्न है, किसानों का प्रश्न है, सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखती है। देखो, आपने कहा, देखा है कि खुद सरकार सत्ता कुर्सी में बैठकर प्रॉपर्टियां इस राज्य की बेच रही है, ये अपन देख रहे हैं। तो इनको राज्य को बेचने के लिए या राज्य के उद्योग गुजरात में भेजने के लिए इन लोगों को सत्ता में नहीं बिठाया। और ये ऐसी जो सरकार है, जो महाराष्ट्र की जनता के हित के जगह महाराष्ट्र की जनता की अहित करने वाली है, ये सरकार को ज़्यादा दिन सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल, महापुरुषों के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है और जब उनके सम्मान की बात आती है तब वो कुछ नहीं बोलती। आपने देखा होगा कि बीजेपी को ना महापुरुषों का लेना देना है, उनको एक नया इतिहास बनाना है और नए इतिहास में इस देश को, जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, देश को आगे बढ़ाया, इस देश को महासत्ता बनाया, उन सबका इतिहास भुलाने का काम बीजेपी सत्ता में बैठ के कर रही है। और बार बार संवैधानिक पद पे बैठे हुए, फिर राज्यपाल हो, मंत्री हो, ये जिस तरह से महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ये भी राज्य की जनता देख रही है और ये सबक राज्य की जनता इनको देख। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और केंद्र में, तीनों जगह बीजेपी से भी सरकार है, फिर भी सीमा का प्रश्न जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। ये झूठे लोग हैं, झूठे सपने दिखाकर ये सत्ता में आए हैं, तो इनको लोगों के लिए काम नहीं करना है। सब पराया माल अपना देश बेचना, यही काम है। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के 8-9 साल में देश की प्रॉपर्टीज़ बेचकर देश चलाने का काम वो कर रहे हैं, फिर रेलवे जैसी व्यवस्थाओं को उनने बेच दिया। तो इन लोगों की नीयत साफ है, देश को तबाह करना, यही इनकी नीयत है और वो कर रहे हैं। अब लोगों को भी समझ गया कि बीजेपी ये देश की अहित करने वाली पार्टी है और ये जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। एक आखिरी सवाल, जब फडणवीस जी विदर्भ के पृथक विदर्भ के आंदोलन में थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आज वे निर्णायक कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी अलग पृथक विदर्भ की बात नहीं हो रही है। मैंने कहा कि झूठे वादे करना, जनता को झूठ बताना और उसके आधार पर सत्ता लेना और देश बेचना, यही बीजेपी का फार्मूला है। और तो देवेंद्र फडणवीस को अलग तो कर नहीं सकते, और इसलिए जो उनके आका दिल्ली में बैठे हैं, वो जो कर रहे हैं वही देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और इसलिए विदर्भ का नुकसान हो रहा है। त्याग पत्र की मांग हो रही है, क्या पूरी होगी? देखो, इस संवैधानिक पद पर बैठकर राज्य की प्रॉपर्टी बेचना, राज्य के उद्योग गुजरात को भेजना, इस तरह का काम अगर जो सरकार करती है, तो जो भी रिकॉर्ड पे है और कोर्ट ने उसके ऊपर स्ट्रक्चर पास किया है, तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए। थैंक यू। ये थे नाना पडोले जी, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, विधानसभा नागपुर से।